कहीं जा रहे हैं तो क्या करेंगे? अगर कहीं किसी नए मकाम के लिए जा रहे हैं तो क्या करते हैं? हम कितने बजे जाएंगे, किस तरह जा रहे हैं, हमें कब बस मिलेगी, ये सब हम बच्चों का पहुंचना है, वहां पहुंचने की कितने लगेगी, पहुंचने के बाद क्या करना है, सब ये सब चीजें हम दिमाग में जो है ना प्लान कर लेते हैं सर। एक एग्जांपल जो मैंने आपके सेल्फ लर्निंग मटेरियल से लिया है वो इस तरह से है। ये एक कॉलम है सीरियल नंबर का, दूसरा मंथ का कॉलम है, यूनिट का कॉलम है, सब यूनिट का कॉलम है, ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स, कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड, सिग्नेचर ऑफ द टीचर, सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर। इस तरह से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ग्यारह कॉलम्स इसके अंदर हैं। 11 कॉलम्स के अंदर आप बहुत सारे रोज होंगे, जितने महीने हैं या जितना सीरियल नंबर है यूनिट का उस तरह से होगा। सीरियल नंबर 1 ये एक ट्रेनिंग है, हाँ ये टीचिंग नहीं है, यानी आप स्कूल में जाने से पहले इसको सीख रहे हैं। यानी कोई एक तैराक है, तैरना नहीं जानता तो उसको तैरने के लिए कुछ जैकेट वगैरह पहना के पानी में ढकेल के थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है ना, वो तरीका है। एक्चुअली तालाब में वो तैरने के लिए नहीं कूदा, तालाब में जाने से पहले छोटे पानी के पॉन्ड में वो कोशिश करेगा। ये उसी तरह से माइक्रो टीचिंग। ये है प्लानिंग फॉर टीचिंग फिजिकल साइंस। सबसे पहले हमने देखा कि फिजिकल साइंस क्या है और फिजिकल साइंस के पढ़ाने के मकासद क्या है, फिर फिजिकल साइंस किस तरह से पढ़ाया जाता है और उसमें बहुत सारे तरीके देखे, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, टीम टीचिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉडल्स ऑफ टीचिंग है। अब साइंस पढ़ाना है तो किस तरीके से पढ़ाना है, क्या मनसूबाबंदी करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखें कि कोई भी काम करने से पहले मनसूबाबंदी करना बहुत ज़रूरी होता है। आप कहीं जा रहे हैं तो क्या करेंगे? अगर कहीं किसी नए मकाम के लिए जा रहे हैं तो क्या करते हैं? हम कितने बजे जाएंगे, किस तरह जा रहे हैं, हमें कब बस मिलेगी, ये सब हम बच्चों का पहुंचना है, वहां पहुंचने की कितने लगेगी, पहुंचने के बाद क्या करना है, सब ये सब चीजें हम दिमाग में जो है ना प्लान कर लेते हैं सर। दिमाग में प्लान कर लेते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे वहाँ का वेदर क्या है, कितने तरीके के कपड़े लेना है, कौन से कपड़े लेना है, कितने पैसे लेके जाना है, हाँ कैसे किस मोड से जाना है, ये सारी चीज़ें प्लान करते हैं। जब क्लासरूम में पढ़ाना है तो पढ़ाने से पहले प्लान करना चाहिए क्या? जी सर। तो यानी प्लानिंग एसेंशियल है, जरूरी है ना, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, असल जरूरी है। हाँ, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल, है ना। अगर आप प्लान करने में नाकाम होते हैं तो आप प्लान करते हैं नाकाम होने का, ये है। तो प्लानिंग इज एसेंशियल, बहुत जरूरी है, स्पेशली प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग, ठीक है। तदरीस में बगैर प्लानिंग के तदरीस फायदेमंद नहीं होती। जब भी आपको पढ़ाना हो तो प्लान करना बहुत ज़रूरी है। किस किस तरीके की प्लानिंग होती है, आप कौन कौन सी प्लानिंग करते हैं? आप लोग चूंकि क्लासरूम टीचर हैं तो मुझे आपसे ही जानना है कि आप किस तरह की प्लानिंग करते हो क्लास में। इस तरह की प्लान तो होती है एक्चुअली, देखिए पूरे साल में हम क्या पढ़ाना है और फिर एक साल में कितने यूनिट्स पढ़ाना है, ये हम और कब पढ़ाना, ये साल में ये हम इस ईयर प्लान की तरह हम क्या करेंगे सर, मनसूबाबंदी करेंगे। उसके बाद फिर एक यूनिट को कितने दिन में पढ़ाना है, बिल्कुल बिल्कुल, और क्या क्या लर्निंग आउटकम्स हासिल करना है हम ये यूनिट से, ये हम यूनिट प्लान में करेंगे सर। उसके बाद
पीरियड प्लान में पीरियड प्लान बनाएंगे सर एक दिन के लिए, और वो एक दिन में हम क्या लर्निंग आउटकम हासिल करना चाह रहे हैं वो उन्वान के तहत, वो हम एक दिन के लिए जो प्लान बना रहे सर वो भी एक उसका नाम जो है ना मंसूबे साथ या फिर पीरियड प्लान बोल रहे सर। ओके पीरियड प्लान या इस तरह की प्लानिंग देंगे सर हम लोग। तीन तरह की प्लानिंग आप करते हैं, जैसे आप बच्चों को स्कूल को अपने भेजते हैं तो फीस का भी तय करते हैं कि ये साल की इतनी फीस होगी उनकी अपने बच्चों की, तो इसको तीन टर्म में हम पे करेंगे, पहले टर्म में कितना पे करेंगे, सेकंड में कितना, ये सालाना है। तो इसी तरह से आप मंथली प्लान भी करते हैं, फिर उसके बाद वीकली प्लान भी घर चलाने के लिए करते हैं, डेली का भी घर चलाने का प्लान करते हैं। तो एक टीचर जो है ईयर प्लान करता है, यूनिट का प्लान करता है, लेसन का प्लान करता है, इन्हीं प्लान्स को हम देखेंगे आगे की तरफ। एक है ईयरली प्लान। ईयरली प्लान क्या है? ईयरली प्लान मतलब पूरे साल का प्लान। क्लास आपको पहले से अलॉट हो जाती है क्या? क्लास अलॉट हो जाती है? नहीं सर, हम लोगों को पूरे तमाम क्लासेस अलॉट होते ना सर, कोई पर्टिकुलर एक क्लास अलॉट नहीं होती सर हमारे को। ओके मतलब समझिए कि अभी आप हाई स्कूल टीचर हैं, ठीक है? हाई स्कूल टीचर हैं तो आपको 8th का साइंस दिया जाएगा, 9th का साइंस दिया जाएगा, 10th का साइंस दिया जाएगा, तो क्लासेस अलॉट हो जाती हैं, सब्जेक्ट्स भी अलॉट हो जाते हैं, ठीक है? तो पहले से अलॉट होने से पूरे साल का प्लानिंग करने में सहूलत रहती है। तो पूरे साल का प्लान करेंगे तो आप क्या तय करेंगे कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना है। जब ईयरली प्लान आप करते हो तो इस बात का ख्याल रखें कि ये प्लान फ्लेक्सिबल हो। ऐसा नहीं कि देखिए अगर घर में आप प्लान करो कि 9-8 बजे नाश्ता करना है, 2 बजे खाना खाना है, 8 या 9 बजे शाम में खाना खाना है, तो बस उस टाइम को जो आएगा उसी को खाना मिलेगा, दूसरे को खाना नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझिए कि आज आप लाइट पढ़ाना है, लाइट पढ़ाने के बजाय मैग्नेटिज्म पढ़ाने का मौका मिले तो मैग्नेटिज्म पढ़ाइए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कोई भी टॉपिक, हालांकि तय हो कि साल के 8 या 9 महीने जो भी आप पढ़ा रहे हो उसके महीने मुख्तस हों, लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ज़रूरत के हिसाब से। गाइड फॉर टीचिंग, आप 10 यूनिट को 10 महीनों में अलग अलग महीने में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये आपको गाइड करेगा कि किस महीने में का क्या पढ़ाया जाना चाहिए। इसी तरह से आपने देखा होगा केंद्रीय विद्यालय में एक ईयर प्लान दिया जाता है जिसके तहत जो है तलबा को पढ़ाया जाता है। पेरेंट्स का ट्रांसफर इन बिटवीन अगर हो जाता है एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का दाखिला किया जाए तो जितना सिलेबस यहाँ पे कवर हुआ है नई केंद्रीय विद्यालय में जहाँ पर बच्चा दाखिला लेता है वहीं उसी लेवल पे जो है तदरीस होती रहती है, तो बच्चे को एडजस्ट करने में आसानी रहती है। तो गाइड फॉर टीचिंग, टीचिंग के लिए एक टीचर को भी एक गाइड के तौर पर काम करता है ईयर प्लान, ठीक है? डज नॉट रिस्ट्रिक्ट क्रिएटिविटी ऑफ द टीचर। टीचर क्रिएटिव होते हैं, अलग अंदाज से पढ़ाते हैं, अलग तरीके से पढ़ाते हैं, दिलचस्पी के साथ पढ़ाते हैं। ईयर प्लान आपको पढ़ाने क्या पढ़ाना ये तो बता रहा है, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि टीचर अपनी क्रिएटिविटी दिखाए। एंड ईयर इवैल्यूएशन, अगर आपको मालूम हो कि एक साल में क्या मवाद पढ़ाया गया है, वो कैसे मालूम होगा कि आपके ईयरली प्लान से पता चल जाता है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। अगर क्या पढ़ा रहे हैं पूरे साल तो पूरे साल का इवैल्यूएशन करना भी आसान हो गया कि आपने ये पढ़ाया है तो बच्चों की इस तरह इवैल्यूएशन की जा सकती है। क्लियर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द एंटायर ईयर, पूरे साल तमाम में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसका एक क्या कहते हैं फोटोग्राफिक इमेज मिल जाता है। एक ही जगह पर अगर लेसन प्लान देखा जाए तो पूरे साल में क्या पढ़ाना है ये आसानी से मालूम हो जाएगा। आपने ईयर प्लान तैयार तो किया होगा, किस तरह से होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे और आप क्या कैसे तैयार करते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। अनएम्बिगियस होना चाहिए, कोई जो है आप मवाद लिखें उसमें क्लैरिटी न हो ऐसा न हो, नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। क्लियर एंड रेगुलर प्लानिंग होनी चाहिए।
ये देखिए, अगर आप लेसन प्लान ये कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो प्लान का इम्पोर्टेंट चीज है कि ध्यान में रखनी है आपको, आपका ईयर प्लान हो, लेसन प्लान हो, यूनिट प्लान हो, उसके अंदर करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज का होना जरूरी है। करिकुलर जो तदरीस से मुतालिक हैं, क्लासरूम से मुतालिक हैं, को करिकुलर जो क्लासरूम से बाहर फील्ड एग्जीबिशन है, साइंस एग्जीबिशन है, इस तरह की चीज़ों का भी अहतमाम करने की गुंजाइश आपके ईयर प्लान में होनी चाहिए। आपके तालीमी मकासद, हमने पढ़ा है कि बच्चों को मालूमात पहुंचाना, बच्चों में तफहीम पैदा करना, बच्चों को इत्तला या चीज़ों को अप्लाई करने की सलाहियत पैदा करना, बच्चों में तजिया करने की सलाहियत पैदा करना, बच्चों का तायुन कदर करने की सलाहियत पैदा करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके साइंस पढ़ाने के। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, आपका ईयर प्लान से झलके के आप ये सारी चीज़ें हासिल कर रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट्स एंड ऑल टॉपिक्स कवर करें। ईयर प्लान जो होता है, सिर्फ ईयर प्लान एक ही सब्जेक्ट से मुतालिक नहीं होता है, बल्कि ये पूरे तमाम टॉपिक्स और तमाम सब्जेक्ट से मुतालिक होगा। ये प्लान पूरे सब्जेक्ट से मुतालिक होगा। टीचर टू डिसाइड टाइम एंड मेथड। अब ये जो है, ये प्लान आपके सामने है, लेकिन कौन डिसाइड करेगा? टीचर खुद मुख्तार है, टीचर क्लासरूम का बादशाह है, वो तय करेगा कि कब और क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, कौन से तरीके से पढ़ाना है, किस वक्त क्या पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें जो है टीचर खुद तय करेगा। फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सडन कंसर्न्स। सडन अगर कोई चीज़ें हो जाए, वह मतलब कि बारिश खूब हो और आपके इलाके में छुट्टी डिक्लेयर की जाए, तो जो यूनिट्स उस वक्त पढ़ाने थे इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से, उन चीज़ों को बाद में टीचर उसको शिफ्ट करके पढ़ा सकता है। और डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए पूरे टॉपिक्स को, मंथ्स में, वीक्स में, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। एक पीरियड की मियाद तय करनी चाहिए, 35 मिनट्स का पीरियड होगा, 45 मिनट्स का पीरियड होगा, या एक या डेढ़ घंटे का पीरियड होगा। जैसे प्रैक्टिकल्स बड़े होते हैं, थ्योरी क्लासेस छोटे मियाद के होते हैं। आपने लेसन प्लान ये प्लान बनाया था क्या, कभी बनाया है? सर ऐसे तो सिर्फ हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे फेस टू फेस डीएड में, जब उस वक्त बनाए थे सर। बाकी जब हम इन सर्विस में आए सर, जब से तो हमारे पास, हम आके सर्विस में 4 साल हुआ सर, तो 2 साल से गवर्नमेंट ही कम्प्लीटली प्लान दे रही है सर, ईयर प्लान, यूनिट प्लान और पीरियड प्लान। हाँ, ईयर प्लान, यूनिट प्लान और क्या बोले, पीरियड प्लान गवर्नमेंट ही दे रही है। लेकिन पहले क्या होता था, जो टीचर्स खुद तैयार करते थे। अब आपका ईयर प्लान किस तरह से है, कभी मुझे शेयर करिएगा, ईयर प्लान किस तरह से गवर्नमेंट यूज कर रही है, फिर जो है लेसन प्लान किस तरह से हो रहा है, और जो है यूनिट प्लान किस तरह से तैयार कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल जो मैंने आपके सेल्फ लर्निंग मटेरियल से लिया है, वो इस तरह से है। ये एक कॉलम है सीरियल नंबर का, दूसरा मंथ का कॉलम है, यूनिट का कॉलम है, सब यूनिट का कॉलम है, ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स, कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड, सिग्नेचर ऑफ द टीचर, सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर। इस तरह से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ग्यारह कॉलम्स इसके अंदर हैं। 11 कॉलम्स के अंदर आप बहुत सारे रोज होंगे, जितने महीने हैं या जितना सीरियल नंबर है यूनिट का, उस तरह से होगा। सीरियल नंबर 1, 2, 3 यहाँ पे लिखा गया है। मंथ समझिए, जुलाई से अगर स्कूल्स का आगाज होता है, जुलाई में फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग अगर टीचर को पढ़ाना है, तो केमिकल बॉन्डिंग जुलाई में भी पढ़ा रहे हैं, अगस्त में भी पढ़ा रहे हैं। जुलाई और अगस्त में यूनिट पढ़ा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को आप पहले से तय कर लें कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर क्या क्या सब यूनिट टीचर को पढ़ाना है, सब यूनिट 1, सब यूनिट 2, सब यूनिट 3। फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग है,
टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हैं, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स अगेन लिखा गया है। ये पहली सब यूनिट पढ़ाने का मकसद यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट्स विल एक्सप्लेन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का तारुफ अगर टीचर पेश करे तो स्टूडेंट जो है उस तारुफ को जानकर अपने अल्फाज में बयान करेंगे। और इसके लिए क्या करेगा टीचर, एक तरीके तदरीस इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा गया है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के लिए यहाँ पर कोई टीचिंग एड टीचर यूज नहीं कर रहा है। अगर कोई टीचिंग एड यूज कर रहा है तो वो लिखेगा और कितने पीरियड में पढ़ा रहा है लेसन उसको लिखेगा। अब दरमियान में है, हम समझिए कि अगस्त में है, तो अगस्त में है या जुलाई के एंडिंग में है, तो हम लिखेंगे ये यूनिट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ये सीरियल नंबर 1 कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। कंप्लीट हुआ तो लिखकर यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे टीचर, और यहाँ पे मीर मौलिम जो है सिग्नेचर करेंगे। जुलाई का ये सीरियल नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी तरह से सब यूनिट 2 पे आएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में देखिए कि ऑब्जेक्टिव क्या हासिल कर रहे हैं उसको लिखेंगे, किस तरीके तदरीस से पढ़ा रहे हैं उसको लिखेंगे, और क्या टीचिंग एड्स यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर चार्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और पढ़ाने के लिए आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही मैडम, आ रही। अंतुल देखो तो अपने पास एक बार करेक्शन चेक करो, कभी कभी होता है। मेरा वीडियो भी नजर आ रहा है ना आपको? तो ये जो है, हाँ, दो पीरियड में मुकम्मिल होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक पर्टिकुलर सब यूनिट को किस तरह से डील किया गया उसको बता रहा है। और यहाँ पर आप ओवरऑल देखेंगे, यहाँ ऊपर से नीचे देखेंगे तो किस तरीके तदरीस का इस्तेमाल किया गया है, लेक्चर मेथड का, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन का। यहाँ पे इसी केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स को पढ़ाने के लिए विजिट टू द म्यूजियम दिया गया है, यानी फील्ड विजिट का भी प्रोविजन रखा गया है। मैंने आपसे कहा कि करिकुलर एक्टिविटी भी होनी चाहिए, क्लासरूम में भी पढ़ाया जाए, क्लासरूम के साथ साथ बाहर भी ले जाने की गुंजाइश रखी जाए। इसमें बाहर उस वक्त ले जाएंगे जब मौसम अच्छा हो, बच्चा आसानी से जा सके, धूप में परेशान ना हो, बारिश में ना भीगे, ये सारी चीजें। पूरे ईयर प्लान को आप एक नज़र देखेंगे तो एक नज़र में आपको पता चलेगा कि किस मौसम में क्या क्या एक्टिविटीज रखी गई हैं और कैसे प्लान किया गया है। पूरे ईयर का मैंने दो ही मंथ का दो छोटे से एक्टिविटीज लेकर आपको यहाँ पर बताया है। मुझे इस तरह से देखने से आपको पता चलेगा क्या यूनिट तमाम यूनिट्स कवर किए गए हैं, टीचर जो है पूरे ईयर का प्लान किए हैं कि नहीं, तमाम यूनिट का, तमाम सब यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं क्या नहीं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि टीचिंग मेथड जो है अलग अलग तरीके के इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, बच्चों को काम करने की गुंजाइश है कि नहीं, टीचिंग एड्स किस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या एक ही तरीके से चॉक एंड टॉक मेथड से पढ़ा रहे हैं क्या, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने प्लान किए हैं। जुलाई में जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 पीरियड बताए हैं, हो सकता है कि 15 हो, 20 हो, पूरे यहाँ पर लिखेंगे, लेसन प्लान में तैयार होगा। और पूरे ईयर के एंड में आप देखेंगे कि यहाँ पे टीचर जो है अब तक यहाँ पे कंप्लीट नहीं है ये दोनों ही सब यूनिट। कंप्लीट होने के बाद कंप्लीटेड लिखे, टीचर का सिग्नेचर भी रहेगा, हेडमास्टर का भी सिग्नेचर रहेगा, तो हमें एक अंदाज़ा मिलेगा कि एक टीचर ने अपना पूरा का पूरा निसाब मुकम्मल किया है। ये है ईयर प्लान। ईयर प्लान में मकासद तय हैं, तरीके तदरीस पर तय है, तदरीसी अशिया बताई गई हैं, और ये टीचर भी जानता है कि क्या पढ़ाना है, मौलिम भी जानता है कि किस क्लास में क्या चल रहा है। इस तरह से साइंस के टीचर 8A में पढ़ा रहे हैं तो उनका लेसन प्लान होगा, 8B वालों का होगा, 8C वालों का होगा। टीचर मुख्तलिफ है लेकिन हेडमास्टर या प्रिंसिपल मीर मौलिम जो है सेम है, तो मीर मौलिम को पता होगा कि कौन सी क्लास आगे जा रही है, कौन सी क्लास पीछे जा रही है। कभी अचानक मीर मौलिम ईयर प्लान लेकर किसी क्लास में चले जाएं तो पता कर सकते हैं कि क्या यूनिट क्लासरूम ट्रांजैक्शन उसी सिंथ गामसन है जो प्लान किया गया था, या कोई आगे बढ़ चुका है, या कोई
पिछड़ रहा है। तो इसलिए प्लानिंग का होना बेहद जरूरी है। अब यूनिट प्लान, यूनिट प्लान चूंकि आपके स्टेट वाले खुद सप्लाई कर रहे हैं, पहले तो टीचर्स खुद अपना यूनिट प्लान बनाते थे, आप अपने स्टेट का यूनिट प्लान भी बताएं, क्योंकि आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हाई स्कूल का भी आपके पास हो तो किसी से हासिल करके शेयर करें, ताकि मुवाजना किया जा सके कि किताब में आपके SLM में जो दिया गया है वो यूनिट प्लान किस तरह से है और आपके स्कूल्स में किस तरह से है। यूनिट प्लान, यूनिट एक यूनिट क्या है, सबसे पहले आपके जहन में आएगा कि हमने ये तो जाना कि सब्जेक्ट क्या है या कोर्स क्या है, ये तो जाना, लेकिन यूनिट है क्या। यूनिट जो है लार्ज ब्लॉक ऑफ रिलेटेड मैटर, समझिए कि आप बरकी रोग का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बरकी रोग क्या है, बरकी रोग किस तरह से तैयार होती है, बरकी रोग के मकनातीसी असरात क्या है, बरकी रोग के आलात क्या है वगैरह, अगर एक जा करके आप लिखें, बहुत सारा मवाद एक जगह करके लिखें, तो ये रिलेटेड मैटर एक जगह जो आप लिखते हैं वो यूनिट कहलाता है। आउटलाइन ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड सब्जेक्ट मैटर, ये एक आउटलाइन बताता है कि हम इस यूनिट में इन इन चीजों को कवर करने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस, ये क्या क्या इंफॉर्मेशन यूनिट में दी जाएगी, क्या क्या तजुर्बात फराहम किए जाएंगे, किस तरह की एक्टिविटीज की जाएंगी, ये सारी चीजें जो है यूनिट प्लान का हिस्सा है। अभी आपने ईयर प्लान देखा, ईयर प्लान में किस तरह से लिखा जाता है, पूरे साल की तमाम एक्टिविटीज होती है, जबकि यूनिट प्लान में जो है सिर्फ यूनिट से मुतल्लिक चीजें होती हैं। एक यूनिट प्लान का प्रोफार्मा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यूनिट प्लान प्रोफार्मा में सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट का यूनिट प्लान लिख रहे हैं, साइंस का लिख रहे हैं, मैथमेटिक्स का लिख रहे हैं, दूसरा मैंने कहा कि किस क्लास और डिवीजन का लिख रहे हैं, हो सकता है 8A को कोई और साइंस पढ़ा रहा हो, 8B को कोई और साइंस पढ़ा रहा हो, तो वो भी लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद किस यूनिट को पढ़ा रहे हैं, अब यूनिट को जब पढ़ाते हैं तो यूनिट के बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं, तो उसको भी लिखा जाए। यूनिट के बारे में, यूनिट का प्लान है तो यूनिट लिखें, यूनिट के सब यूनिट्स या कंटेंट एनालाइज करके लिखें, उसके हर एक का जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखें, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बिहेवियरल टर्म्स में लिखा जाए। लर्निंग एक्सपीरियंसेस, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, लेबोरेटरी के तजुर्बात फराहम कर रहे हैं, आप थियोरेटिकल क्लासेस दे रहे हैं, आप डेमोंस्ट्रेशन कर रहे हैं, तलबा को शामिल कर रहे हैं या टीचर खुद कर रहे हैं या बाहर उनको भेजकर विजिट करवा रहे हैं, किस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस फराहम कर रहे हैं, ये होना जरूरी है। फिर उसके बाद एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं, उसके लिए एक्टिविटीज किस तरह की जा रही हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज आप क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, मौलि मरकूज हैं, तिफ्ल मरकूज हैं, एक्टिविटी मरकूज हैं, कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इन चीज़ों को टीचिंग स्ट्रेटजीज को भी लिखें। फिर उसके बाद आप लिखें कि इवैल्यूएशन किस तरह से किया जाएगा, क्या आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे, लॉन्ग आंसर पूछेंगे, रूब्रिक्स लेंगे, क्विजेस लेंगे, यूनिट टेस्ट किस तरह का कंडक्ट करेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो है आपका यूनिट प्लान का प्रोफार्मा है। अगर यूनिट प्लान का प्रोफार्मा देखें, आप समझिए कि यहाँ पे यूनिट में आपने क्या लिखा है, ये केमिकल बॉन्डिंग के यूनिट को आप 1 या 2 महीने में कवर कर रहे हैं, कुछ चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, इसी की तफसीलात जो है यूनिट प्लान में आएंगी। यूनिट है क्या, सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स, उसके बाद जो है यूनिट है एक यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड्स, फिर उसके बाद दूसरे बॉन्ड्स, ये सारी चीजें लिखे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हर एक के पढ़ाने के क्या है, क्या लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्या टीचिंग एक्सपीरियंस, ये यूनिट प्लान देखकर
ना सिर्फ क्लासरूम का एक ही टीचर टेस्ट का टेस्ट तैयार कर सकता है, बल्कि दूसरे 8th बी का टीचर भी जो है 8th ए के लिए टेस्ट तैयार कर सकता है। तो ये इसका फायदा है यूनिट प्लान रहने का। अब चलते हैं लेसन प्लान या पीरियड की तरफ, पीरियड की तरफ। पीरियड प्लान, लेसन प्लान का होना क्यों जरूरी है? लेसन प्लान जब देखते हैं वो फायदेमंद है, उसका होना जरूरी है। बिना प्लानिंग के अगर टीचर क्लासरूम में चला जाए तो उसको एक तो पता नहीं कि क्या पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और किस हद तक पढ़ाना है। कि कभी कभी क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दे, जैसे हमारे खतीब या मौलाना होते हैं, एक घंटा छोटे कॉन्सेप्ट पर भी बात कर लेंगे, लेकिन हमको चार कॉन्सेप्ट एक ही 40 मिनट्स में कवर करना है। तो चार पॉइंट्स के लिए अगर 45 मिनट्स में कवर करना है तो हर एक के लिए जो है हो सकता है कि हम 10-10 मिनट दें, 10-10 मिनट दें तो टीचर ही 10 मिनट बोले या स्टूडेंट भी बोले। अगर टीचर बोले तो कितना बोले, स्टूडेंट बोले तो कितना बोले। टीचर जब बोलता है, एक्सप्लेन करता है, तो सिर्फ बात करे या बोर्ड पर लिखे, या टीचर जब बोलता है तो चीजें दिखाए या सिर्फ बोलता रहे, स्टूडेंट बोले तो सिर्फ एक स्टूडेंट बोले या बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर जवाब दे। अगर स्टूडेंट को बोलना है तो क्या स्टूडेंट एक्टिविटी भी करना है? देखिए 45 मिनट्स का क्लासरूम, चार कंटेंट के पॉइंट कवर करना है और इतनी सारी एक्टिविटीज करना है, टीचर भी बोलना है, स्टूडेंट भी बोलना है, टीचर कुछ करके दिखाना है, स्टूडेंट कुछ करके दिखाना है, और ये सारी चीज़ें होनी है कुछ मखसूस वक्त में। अगर ये सारी चीज़ें पहले से प्लान करके क्लास में चला जाए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है टीचर का बहुत बेहतरीन होता है। अप्रोप्रिएट प्रोसेस यूज करता है अप्रोप्रिएट टाइम पे। मैंने कहा चार कॉन्सेप्ट्स 40 मिनट में पढ़ाना है, तो कौन से टीचिंग पॉइंट को किस तरीके कर से, कभी स्टोरी बोल के मोटिवेट करेगा, कभी सवाल पूछ कर मोटिवेट करेगा, कहीं एक्टिविटी करवाएगा बच्चों को, तो अप्रोप्रिएट प्रोसेस यूज करेगा। इसमें क्या होता है, इस तरह से करने से तलबा का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, टीचर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट हो जाता है और आपकी तदरीस जो है इफेक्टिव तदरीस में इफेक्टिव टीचिंग एड्स इस्तेमाल होंगे। क्योंकि आप पहले से प्लान करके, समझिए आप ग्लोब के बारे में पढ़ा रहे हैं तो ग्लोब क्लासरूम में लेके जाएंगे, वर्ल्ड मैप आप क्लासरूम में लेकर जाओगे, कुदरती हिस्सों को जाहिर करने वाला कुदरत मैप लेकर जाओगे, ताकि आप कुदरती हिस्से कौन कौन से हैं, समंदर कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, इन चीज़ों को आप दिखाओगे। तो इस तरह से इफेक्टिव टीचिंग एड का इस्तेमाल होता है। और कुल मिलाकर बेनिफिट ये है, लेसन प्लान अगर आप तैयार करके स्कूल में जाते हैं तो आपकी टीचिंग जो है इफेक्टिव अंदाज में हो जाएगी, ये इसका फायदा है। इससे ज़्यादा भी मजीद फायदे हैं जिनका मुतालिया आप अपने सेल्फ लर्निंग मटेरियल में करें। तो लेसन प्लान बहुत इफेक्टिव होता है। अब लेसन प्लान जरूरी है, फायदेमंद है, ये तो समझ में आया। अगर ये फायदेमंद है तो इसको किस तरह से बनाना चाहिए, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, जी आप बताएं। एक लेसन प्लान, सभी लोग हैं, सुहेब अकेले हैं या और भी कुछ लोग हैं? अजीम, वालेकुम सलाम, सुहेब भी हैं? जी सर, जी सर, सुहेब, अजीम, अमतुल, अमतुल नाफे और तीन लोग हैं। अच्छा, तो जो है देखिए, क्राइटेरिया ऑफ अ गुड लेसन प्लान, आप लेसन प्लान को अच्छा लेसन प्लान उस वक्त कहोगे जब आपको पता हो कि आप वही लर्न अ पर्टिकुलर लेसन। मैं ये लेसन पढ़ रहा हूँ, तालिब इल्म को पता हो कि क्यों पढ़ रहा हूँ, या पढ़ाने वाले को ये मालूम हो कि उसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, वही लेसन हैज टू बी टॉट।
क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, इनका जॉब मिलेगा आपके ऑब्जेक्टिव्स से। आप ऑब्जेक्टिव्स तय करें तो क्यों पढ़ाया जाना चाहिए इसका जॉब मिलेगा, क्या पढ़ाया जाए या क्या पढ़ा जाए, व्हाट हैज टू बी लर्न, क्या पढ़ना है या पढ़ाना है, ये आपका कंटेंट तय करेगा। किस तरीकेकार से पढ़ाना है या किस तरीकेकार से पढ़ना है, ये आपका मेथड तय करेगा। यानी एक अच्छा लेसन प्लान आप बना रहे हो तो ये चीजें बहुत जरूरी है, क्यों, क्या और किस तरह। क्यों ऑब्जेक्टिव्स, क्या आपका मवाद, किस तरह आपका तरीका तदरीस। क्यों, क्या और किस तरह, तीन चीजें। तीन चीजों के आप सवाल आपके जहन में हो तब आपका लेसन प्लान आसानी से तैयार होगा। अगर लेसन प्लान तैयार करना है तो ये चीजें, जैसे मैं एक पुराने तरीके का आपका लेसन प्लान है जिसको हम हर्बर्शियन लेसन प्लान कहते हैं। हर्बर्शियन लेसन प्लान आपने देखा है, कभी इस्तेमाल किया है? हर्बर्शियन लेसन प्लान? बहुत फेमस है। आप क्लास में जाके किस तरह से पढ़ाते हैं ये बताइए मुझे, थोड़ा मैं आपका तरीका जानना चाहता हूँ। आप क्लास में पढ़ाते हैं ना? जी सर। पढ़ाते वक्त क्या क्या करते हैं क्लास में जाके? चलो बच्चों आज मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों को ग्रीटिंग्स करते हैं सर। ग्रीटिंग्स करते हैं, खैर खैरियत पूछते हैं सर उनकी। ओके। और उसके बाद जो है ना सर, हम लोग हम कल क्या पढ़े थे मालूमात की जाँच कर लेते सर। ओके। क्या पढ़े हैं उसको, चंद सवाल के जरिए बच्चों को, बच्चों के जवाब के जरिए हम क्या करते हैं सर, कंटिन्यू करते हैं सर। फिर जो भी अगर वही उन्वान है कल का ही तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं आज नया उन्वान है तो उस उन्वान की तरफ आकर उस उन्वान को असेस करते हैं सर। ओके। तो असेस करने के बाद हम उसके मुताबिक कुछ एक्टिविटीज कराते हैं सर। ऐसा इस तरह चल रहा है सर प्लान अभी हमारे स्कूल में। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और तो इस तरीके तदरीस से आप पढ़ा रहे हैं। एक्टिविटीज सर हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड के मुताबिक होते हैं सर। एक्टिविटी ये जो एक्टिविटीज होते हैं उसके बाद जो भी हमारे सब्जेक्ट के एकेडमिक स्टैंडर्ड होते हैं सर उसी के मुताबिक एक्टिविटी करते हैं सर। तो यानी आप एक्टिविटी करने के बाद लेसन पूरा कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं? कुछ सवाल पूछते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या आपने पढ़ाया है, वो बच्चे समझे हैं कि नहीं, है ना? नहीं, हाँ सर, हाँ सर। तो यही जो है हर्बर्शियन स्टेप्स है। हर्बर्ट ने 6 स्टेप्स दिए। स्टेप नंबर 1 इंट्रोडक्शन, स्टेप नंबर 2 प्रेजेंटेशन, स्टेप नंबर 3 कंपेयर एंड कंट्रास्ट, स्टेप नंबर 4 जनरलाइजेशन, स्टेप नंबर 5 एप्लीकेशन, स्टेप नंबर 6 रिकैप्चुलेशन। इंट्रोडक्शन आपने कहा कि जाके आप कुछ जनरल बातचीत करेंगे और टॉपिक एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। आज हम ए पढ़ने जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ द एम निकालेंगे इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद आप लेसन प्रेजेंट करेंगे, कुछ प्रिलिमिनरी रिमार्क करके बताएंगे और पुराने नॉलेज को नए नॉलेज से उनके कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से जब पुराना नॉलेज नया नॉलेज कंपेयर करते हैं तो कुछ जनरलाइजेशन एमर्ज होती हैं। इन जनरलाइजेशंस को तय किया जाता है। जो जनरलाइजेशन आपके लेसन से हासिल होती हैं उनका इत्तलाक किया जाता है, एप्लीकेशन की जाती है। फाइनली मुअल्लिम जो ऑब्जेक्टिव सेट करके क्लासरूम में पढ़ाते हैं उनको जांचते हैं कि क्या आज मैंने पूरा लेसन सही अंदाज में पढ़ाया, बच्चे समझ पाए, कहीं कोताही कमी तो नहीं रह गई, और बच्चे किस हद तक मेरे मकसद को हासिल कर सके जो मैं पढ़ाने जा रहा था। तो ये है रिकैप्चुलेशन का स्टेज। 6 स्टेजेस हैं जिनके बुनियाद पर लेसन प्लान तैयार किया जाता है। ये पुराना तरीके तदरीस था जिसमें मौलिम के एक्टिविटीज पर ही ज्यादा जोर था। इंट्रोडक्शन कौन कर रहा है? मौलिम कर रहा है।
प्रेजेंटेशन कौन कर रहे हैं, वॉल्यूम कर रहे हैं, कौन एग्जांपल्स पेश करके कंपेयर और कंट्रास्ट करा रहे हैं, वॉल्यूम करा रहे हैं तलबा, हालांकि उसमें स्टूडेंट एक टीचर एक्टिविटी भी है, स्टूडेंट एक्टिविटी भी शामिल है, दोनों के एक्टिविटी शामिल है, लेकिन लीड कौन कर रहा है, मॉल्यूम कर रहा है। मॉल्यूम को नीचे उतर कर तलबा के लेवल तक जाना बहुत ज़रूरी है। फिर जो है उसमें जनरलाइजेशन करने में कौन मदद कर रहा है, टीचर ही मदद कर रहा है। उस उन चीज़ों का इत्तला या एप्लीकेशन कौन समझा रहा है, वो भी टीचर ही समझा रहा है। कौन सवाल पूछ कर जाँच रहा है कि जो मकसूद था या मतलूबा मकासद थे या नतज थे हासिल किए गए कि नहीं, टीचर ही कर रहा है। तो ये हर्बर्शियन स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं, इंट्रोडक्शन से लेकर रिकैपिटुलेशन तक इस तरह से मौत पढ़ाया जाता था। एक और तरीका तदरीस है जो आजकल पॉपुलर हुआ है, खास करके आप स्कूल लेवल पे आप लोग ज्यादा यूज करते होंगे, वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच फॉर लेसन प्लान। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में 5E अप्रोच भी इसको कहा जाता है। 5E अप्रोच, आप कोई एक टॉपिक बताएं 5E अप्रोच के तहत कैसे आपने पढ़ाया है या पढ़ाते हैं 5E अप्रोच। आप पढ़ा रहे हैं, इस तरीके को इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहलाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी पुरानी मालूमात को इस्तेमाल करके नई मालूमात बच्चे के अंदर डेवलप करना कंस्ट्रक्टिविज्म। पहले जमाने में ये माना जाता था कि तालिब इल्म खाली स्लेट है, खाली स्लेट या टेबुलर, ऐसा स्लेट पर क्या होता है, एम्प्टी स्लेट हो तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। पहले ये कहा जाता था कि तालिब इल्म के दिमाग में कुछ भी नहीं है, आप जो लिखोगे उसमें लिखा जाएगा और वो जिंदगी भर याद रखेगा, टैबुलर असर। अब कहा जाता है कि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, यानी मालूमात के जरिए मालूमात हासिल करते हैं। मैं इसलिए यूं कहता हूं कि मालूमात बिगेट्स मालूमात, नॉलेज बिगेट्स नॉलेज, यानी आपकी पुरानी मालूमात नई मालूमात को हासिल करने का मुंबा या रिसोर्स बन जाती है। कोई ऐसा शख्स बताइए जिसको कोई चीज मालूम नहीं, या आपके स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में बताइए वो क्या क्या मालूमात अपनी लेकर स्कूल को आते हैं, प्लीज बताएं, आपके लिए सवाल है। सर अगर हम अव्वल के बच्चे जो हमारे स्कूल में दाखिल लेते हैं प्राइमरी स्कूल में, तो वो बच्चे जो है ना सर काफी कुछ मालूमात तो लेकर आप स्कूल आ रहे हैं सर, ऐसा नहीं कि कुछ भी मालूम नहीं है बोले सर। ओके ओके, उनकी मालूमात क्या होती है, अकनाफ जो भी अशिया पाए जाते हैं उनके नाम मालूम होते हैं, उनके माहौल में जो भी जानवर वगैरह रहते हैं उनके नाम भी मालूम रहते हैं वो, मतलब कुछ ना कुछ 5-6 साल की उम्र में जो हमारे स्कूल को आ रहे हैं सर वो लोग बहुत कुछ सीखे आ रहे हैं सर जी। अच्छा जी, अब हम 6, 7, 8 तीसरी जमात के बच्चों को चलते हैं, 8 साल की उम्र में बच्चे को क्या क्या मालूम रहता है। या तो यूं कहिए कि 8 साल में एनवायरमेंटल साइंस शुरू हो जाता है उनको। हाँ सर, एनवायरमेंटल साइंस शुरू होता है सर। तो एनवायरमेंटल साइंस में कोई एक टॉपिक बताएं, खानदान के बारे में जानेगा सर, हमारे खानदान में कौन कौन रहते हैं, क्या रिश्ता है उनसे, ये टॉपिक है। जी सर, जी सर, हाँ ये खानदान के बारे में टीचर को बताना है। अब बच्चे अपनी मालूमात क्या लेके आ रहे हैं घर से। सर वो ये जानते हैं कि हमारे घर में कौन कौन रहते हैं, अपने घर में कौन क्या रिश्ता है। जी सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसको जानता है। जी सर, जैसा कि वो अपने माँ बाप जानता है और माँ बाप का रिश्ता भाई बहन है, और अपने घर में अगर जॉइंट फैमिली है तो वो ताया ताई और उनके बच्चे, इस तरह वो सबका रिश्ता क्या रिश्ता है और कौन कौन रहते हैं, कितने अपराध रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं,
कौन घर पर रहते हैं, कौन घर के बाहर जाके काम करते हैं, इस तरह की नॉलेज वो रखता है सर अपने पास। ये घर में किस कौन कौन अपराध हैं ये जानता है। तो ये घर में कौन कौन रहते हैं, अगर इस सवाल को पूछा जाए तो बच्चे को एक्टिविटी में मशगूल करना हो जाता है। ठीक है, एंगेज। एंगेज जो है पाई ई का पहला ई है, पाई ई का पहला ई है एंगेज करना। तो उसके सवाल पूछ के कौन कौन रहते हैं, मजीद सवाल पूछ के उसको खोज किया जाता है, एक्सप्लोर। अच्छा, दूसरों के घर में कौन कौन रहते हैं, आज तेरे घर में कौन से, अब 30 बच्चे हैं क्लास में, हर एक के एक चुनिंदा एक 4-5 बच्चों को उनके उनके घरों के माहौल के बारे में पूछा जाता है। फिर जो है पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स का रोल क्या होता है, भाई के किस उम्र के रहते हैं, क्या रोल होता है, और जनरेशन कौन कौन रहते हैं। देखिए, ग्रैंड पेरेंट्स की एक जनरेशन है, पेरेंट्स की एक जनरेशन है, बच्चों की एक जनरेशन है, 3-3 जनरेशन है। तो नए चीज़ों की वजाहत इसके अंदर की जाती है, एक्सप्लेनेशन किया जाता है, वजाहत किया जाता है। फिर जो है सवाल पूछा जाता है कि आपके वालिद का बेटा बड़ा है या उनके वालिद का बेटा बड़ा है। इस तरह से एक ट्रिकी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बच्चा जो है नए अंदाज में सोचकर जवाब देने लगेगा। तो इसी तरह के बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। 5E एंगेज करने का तरीका यही है। तो 5E जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे, एक तो आपने खानदान के बारे में बताया, हमारा खानदान एक टॉपिक है। कोई और टॉपिक बताएं जो आप थर्ड स्टैंडर्ड में या फोर्थ या फिफ्थ में एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ा रहे हैं। माहौल से मुतालिक माहौल में क्या क्या है, मालूमात ले सकते हैं, माहौल में एनवायरनमेंट में बाहर क्या है, चीजों की खोज करना, जैसा किस्म किस्म के दरख्त, कौन कौन से किस्म के दरख्त, उनके पत्ते जमा करो, उनकी मालूमात लिख कर लाओ, इस तरह की एक्टिविटीज ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि बच्चे ने दरख्त तो देखे होंगे, पेड़ पौधे तो देखे होंगे, लेकिन कभी उनको ऑब्जर्व नहीं किया होगा। ठीक है, कि ये जो है दरख्त क्यों है, ये पौधा क्यों है, ये क्रीपर क्यों है, ये जो है क्लाइंबर क्यों है। ठीक है, ये क्रीपर, क्लाइंबर, फिर जो है पौधा, दरख्त, ये नए कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन उसने पेड़ पौधे तो देखे हैं, उसके माहौल को लेके इन चीजों के नाम उसको समझाए जा सकते हैं, उसी का नॉलेज लेके उसको कैटेगराइज करके नई इंफॉर्मेशन उसको दी जाती है। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट तरीका है। और कोई बता रहे थे कोई और टॉपिक, कौन क्या काम करते हैं, ये सुवम जमात में सर दूसरी टॉपिक है सर। कौन क्या काम करते हैं, कम्युनिटी हेल्पर्स कौन कौन से हैं। तो कम्युनिटी हेल्पर्स को जानना जो है उसने देखा हुआ है, लेकिन क्या काम करते हैं वो उसको भी देखा हुआ है, लेकिन उनकी अहमियत को नहीं जानता, अहमियत को समझाना जरूरी होता है। तो तालिबान को एंगेज करेंगे, उसको एक्सप्लोर करने कहेंगे, उसको एक्सप्लेन कराएंगे, टीचर एक्सप्लेन करने में मदद करेंगे, उसको एलैबोरेट करेगा बच्चा जो उसने सीखा है, और उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। यहाँ पर ये पिछले तरीके तदरीस और इस तरीके तदरीस में फर्क ये है, इस तरीके तदरीस में हर्बेशियन स्टेप्स में टीचर बहुत एक्टिव, टीचर चुस्त था और स्टूडेंट जो है सुस्त था। अब यहाँ पे स्टूडेंट भी चुस्त हो गया है, टीचर्स जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं बैरूनी तौर पर। ये 5E कंस्ट्रक्शन लेसन प्लान किस तरह से किया जाए उसका एक एग्जांपल है यहाँ पे, जिसमें लिखा जाता है पहले मुअल्लिम का नाम क्या है, आप जैसे स्टूडेंट टीचर हैं, स्टूडेंट टीचर का नाम क्या है, कौन सा मजमून पढ़ा रहे हैं, किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनवान क्या है, कमरे जमात कौन सा है, तारीख किस डेट को पढ़ा रहे हैं, फिर जो है इस लेसन को पढ़ाने के मकासद क्या हैं, फिर यहाँ से क्या एक्सपेक्टेड मतलब महारतें हैं जो डेवलप की जाती हैं, किन वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके बाद पुरानी मालूमात क्या है तालिब इल्म की, किस इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर को, तरीक़ेकार को, हिदायती तरीक़ेकार क्या इस्तेमाल किया जाएगा,
मुअल्लिम का अमल क्या होगा इसके दरमियान, तलबा का अमल क्या होगा, फिर जो है मजबूर करते हैं, खोज लगाते हैं बच्चे, उसके बाद बच्चों को तशरीह करने कहा जाता है, बच्चे वजाहत करते हैं कि उन्होंने क्यों ये जनरलाइजेशन बनाई, उसके बाद उनका तायुन कदर या अंदाज़ा कदर किया जाता है, आखिर में चीज़ें जो है रिफ्लेक्ट की जाती हैं, जिससे कंफर्म होता है कि उन्होंने जो सीखा है बिल्कुल सही है। ये स्टूडेंट टीचर के सिग्नेचर है, ये ऑब्जर्वर के सिग्नेचर है। तो इस तरह से लेसन प्लान तैयार करके आप भी एक कोशिश करें, छोटा सा थर्ड स्टैंडर्ड का लेसन प्लान लेके ये पैटर्न में आप लिखें और लिख कर जो है क्लासरूम में पढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि 5E कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आजकल मतलब कई सालों से जो है रायज है और इसको एम्फेसिस किया जा रहा है और ये तरीका तदरीस काफ़ी मकबूल हुआ है। किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से एंगेज करना है आपके मजमून में, आप खुद तय करें, कोई सेट पैटर्न नहीं। किस तरह से बच्चे खोज करते हैं मवाद की, ये आपको तय करना है टीचर एज अ टीचर, कोई गलत या कोई सही तरीका नहीं। किस तरह से तशरीह किया जाए करेगा स्टूडेंट, वो आप एनविसेज करके उसको लिखें। किस तरह से वजाहत करेगा किसी कॉन्सेप्ट को जो उसने सीखा है क्लास में, वो आप तय करें। फिर इवेल्युएशन का तरीकाकार भी, ये जरूरी नहीं है कि सेट पैटर्न ऊपर से दिया जाए, स्कूल लेवल पे आप किसी एक कॉन्सेप्ट को लें और सोचें तो ये आसानी से तैयार किया जा सकता है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग टीचिंग है या ट्रेनिंग है? ट्रेनिंग है सर, ये ट्रेनिंग है। हाँ, ये टीचिंग नहीं है, यानी आप स्कूल में जाने से पहले इसको सीख रहे हैं। यानी कोई एक तैराक है, तैरना नहीं जानता तो उसको तैरने के लिए कुछ जैकेट वगैरह पहना के पानी में ढकेल के थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है ना, वो तरीका है। एक्चुअली तालाब में वो तैरने के लिए नहीं कूदा, तालाब में जाने से पहले छोटे पानी के पॉन्ड में वो कोशिश करेगा, ये उसी तरह से माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग करते वक्त स्कूल में जाते हैं या अपने ट्रेनिंग के साथ ट्रेनिंग करते हैं? कैसे ट्रेनिंग होती है सर? ये तदरीस है ना सर, ये सामने हमारे जो तरबियत के वक्त जो हमारे साथी होते हैं सर, उनके सामने किए थे सर हम लोग, और वो हमारा लेसन ऑब्जर्व करके जो है ना वो फीडबैक देंगे सर, हम कहाँ पर किस तरह कितना वक्त लिया है, क्या हम सही तरह से उनवान को हस किया नहीं है, क्या हम टॉपिक पर थे नहीं है, ये हमारा तदरीस का जो तदरीस को मुशाहिदा करके उन्होंने फीडबैक देंगे सर, फिर से उसके ऊपर प्लानिंग करके फिर दोबारा तदरीस करे थे, ऐसा कुछ याद है सर हमारे? बिल्कुल सही है आपका याददाश्त। देखिए ये काउंसलिंग तो इसी तरह से होता है, एकेडमिक काउंसलिंग कहते हैं हम। कोई नई चीज आपको नहीं समझाई जा रही इसमें, जो आपने सीखा है, जो आप जानते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं SLM में, वही चीजों को डिस्कस करके क्लैरिफिकेशन कराना जो है माइक्रो टीचिंग का हिस्सा है। अब सॉरी एकेडमिक काउंसलिंग का हिस्सा है। माइक्रो टीचिंग भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ज़ेर तरबियत असातिज़ा की तरबियत की जाती है। माइक्रो टीचिंग छोटी छोटी, यानी एक टीचिंग कॉन्सेप्ट्स को 5 मिनट में पढ़ाना, 5 तलबा के पास पढ़ाना, छोटे से छोटे एक स्किल को लेके पढ़ाना। जैसे आप क्लास में जाएंगे तो क्लासरूम मैनेजमेंट भी करना है, ब्लैक बोर्ड भी देखना है, सवालात भी देखना है, फिगर्स भी ड्रॉ करने हैं, तलबा को मोटिवेट भी करना है, इतने सारे काम करना है। ये एक आम आदमी लेके तो टीचर क्या है, अरे वो तो क्या चाक लेके पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक मॉलिंग क्या कर रहा है, कंटेंट ट्रांजैक्ट कर रहा है, ब्लैक बोर्ड मैनेज कर रहा है, स्टूडेंट को मैनेज कर रहा है, स्टूडेंट के ख्याल को मैनेज कर रहा है, सवालत पूछ रहा है, जवाब दे रहा है, हर एक को समझ में आ रहा है कि नहीं, चेक कर रहा है, इतने सारे काम कर रहे हैं। ये सारे स्किल्स है जो टीचर के होते हैं, इनमें से कोई एक स्किल, और बहुत सारे स्किल्स हैं, उनको परिस्त करूंगा, उसमें से एक स्किल को लेकर एट अ टाइम प्रैक्टिस करते हैं। यूनिट अभी हमने देखा कि ईयर का पूरा प्लान किया जाता है, ईयर में कितने यूनिट्स होते हैं, एक यूनिट में कितने सब यूनिट्स होते हैं,
एक सब यूनिट या एक पीरियड में एक लेसन प्लान या पीरियड प्लान पढ़ाया जाता है। एक पीरियड में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, कई कॉन्सेप्ट सब पढ़ाते हैं, उसमें से एक कॉन्सेप्ट लेंगे। माइक्रो, माइक्रो का मतलब एक स्किल लिया, एक टॉपिक पढ़ाने का लिया, और एक क्लास में हो सकता है आप एक घंटे का क्लास हो, आपका 45 मिनट का क्लास हो, आपका 35 मिनट का क्लास हो, इतना बड़ा क्लास, लेकिन उसमें से जो है आप सिर्फ 5 मिनट की तदरीस कर रहे हैं, 5 मिनट की, यानी वो भी माइक्रो है, माइक्रो। अब एक क्लास में देखिए, हो सकता है कहीं पर 70 स्टूडेंट्स, कहीं 40 स्टूडेंट्स, कहीं 35 स्टूडेंट्स, उतने सारे स्टूडेंट्स को एक नया टीचर जाके पढ़ाए तो उसको दिक्कत होगी, तो इसलिए पांच स्टूडेंट्स को लेके पढ़ाते हैं। अब 5 स्टूडेंट्स स्कूल में जाके तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, तो अपने ही साथियों को, 5 स्टूडेंट को अपने साथी समझिए कि आप अजीम क्लास ले रहे हैं, अजीम क्लास ले रहे हैं, तो अजीम के 5 साथी सामने बैठेंगे एज ए स्टूडेंट, और एक 5 साथी जो है उनके पीछे बैठ के ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पे टीचर भी नहीं है ऑब्जर्व करने वाला, स्टूडेंट ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके साथी पीएससी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे नया सेटअप नहीं है, सभी साथी हैं, आपस में एक दूसरे को सीखना है, तो एक दूसरे को फीडबैक भी देंगे और अच्छी तरबियत होगी। जब इसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके इस तरह की तदरीस को प्रैक्टिस किया गया तो काफी कारामद हुई सर। लेकिन इसके सबसे पहला स्टेप जो है प्लान करना होता है। प्लान करना मतलब समझिए कि मैं कहूँ कि कल आपकी माइक्रो टीचिंग होगी, आप एक यूनिट लेके लेसन प्लान लिखे तैयार करके आइए, तो मैं यहाँ पे 2-3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आप जाके लेसन प्लान लिखेंगे, करेक्शन करवा के प्लान करके रेडी रखेंगे, ठीक है। प्लान करने के बाद जब आप क्लासरूम में एग्जैक्टली आके पढ़ाना शुरू करोगे तो आप टीच करोगे 4-5 मिनट में, टीच करोगे तो उतने ही टाइम में आपको फीडबैक भी दिया जाएगा। फीडबैक कौन देंगे? जो ऑब्जर्वर्स आपके स्टूडेंट्स के पीछे बैठे हुए थे, आपके साथी, वो फीडबैक देंगे। फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ तरबीम की तरफ निशानदेही भी हो सकती है। तो उन हालात में आपको रीप्लान करना होगा। प्लान करने के लिए आपने काफी 2-3 दिन का वक्त लिया, अब रीप्लान करने के लिए बस आपको जितना पढ़ाए थे, आप समझिए 6 मिनट पढ़ाए थे तो उसका डबल ड्यूरेशन 12 मिनट का टाइम आपको मिलेगा रीप्लान करने के लिए। क्योंकि टीचिंग आपने 6 मिनट की थी तो रीटीचिंग का भी टाइम आपको 6 मिनट मिलेगा। रीटीचिंग आपने 6 मिनट की तो हो सकता है आपको फीडबैक देने के लिए भी सिर्फ 6 मिनट का टाइम मिले अपने साथियों को। तो इस तरह से प्लानिंग, प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, री फीडबैक, ये मुकम्मल जो है एक दौर को मुकम्मल करता है, यानी एक दौर या साइकिल को मुकम्मल करता है, ये माइक्रो टीचिंग कहलाता है। माइक्रो टीचिंग को अगर आप मिनट्स में देखें, तदरीस या टीचिंग को आप 6 मिनट दे रहे हैं, फीडबैक को 6 मिनट दे रहे हैं, दोबारा मनसूबा बनाने को 12 मिनट दे रहे हैं, दोबारा तदरीस के लिए 6 मिनट आपको मिल रहा है, दोबारा फीडबैक के लिए 6 मिनट मिल रहा है, यानी एक तालिबेल को 36 मिनट में एक माइक्रो टीचिंग का साइकिल कंप्लीट होता है। इस तरह से 4 से 6 माइक्रो टीचिंग स्किल्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। ये थ्योरेटिकल है जिसका मैं जिक्र यहाँ पे कर रहा हूँ। पहले जमाने में तो जब ये माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट आया था उस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी। आज आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपका लेसन खुद देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि वीडियो में जो अवेलेबल है उन वीडियोस को देखिए, आपको पता चलेगा। अगर मैं देखता हूँ तो उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ और खामियां नजर आती है। अपने ही वीडियो को देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और सुधार पैदा कर सकते हैं। ये माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट है। और माइक्रो टीचिंग में बहुत सारे स्किल्स हैं, जिसमें देखिए स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को हमने कई बार डिस्कस किया। क्या है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स? मकासिद किस तरह से लिखना है, इसको किस तरह से लिखना है, इसको भी एक स्किल है जिसको सिखाया जा सकता है। मैंने 2 दिन पहले आपको पूछा था कि टीचिंग जो है साइंस है या आर्ट, किसी ने कहा आर्ट, यानी खुद बखुद टीचर पैदा होते हैं, टीचर खुद बखुद पैदा होते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता। किसी ने कहा कि ये साइंस है जिसको सिखाया जा सकता है,
उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि देखिए टीचिंग में बहुत सारे स्किल्स शामिल हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, क्वेश्चनिंग है, फिर एक्सप्लेनिंग है, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, ऑडियो एड्स का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, क्लास मैनेज कैसे की जा सकती है, ये कुछ स्किल्स हैं, इनको दूसरों को देखकर हम सीख सकते हैं, ये चीजें हैं। तो माइक्रो टीचिंग में जैसे राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एक स्किल है, सेट इंडक्शन तलबा को तैयार करना किसी मजमून को सीखने के लिए, थेरी इन क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग किस तरह से की जाए, जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे हों, क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसे हों, पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस कैसे हों, सवालात को जवाब, एक सवाल इस तरह से दिया जाता है कि जिसमें जवाब भी मख्फी हो, छुपा हुआ हो, उस तरह से भी सवाल किया जा सकता है, या तो प्रोबिंग, हाँ बताओ क्या, अच्छा अच्छा और क्या, और क्या, हाँ हाँ बेहतर है, देखिए प्रोब कर रहे हैं, अरे वो ऐसा हुआ ना उस दिन, क्या कर रहे थे, प्रोब कर रहे, एक्सप्लेन कर रहे, पता है मैं वहाँ गया था, फिर वहाँ से उधर गया, फिर वहाँ गया, एक्सप्लेन कर रहे। तो इस तरह से ये भी एक स्किल है जो टीचर यूज कर रहे हैं, हम जाने अनजाने में अच्छे टीचर होने की वजह से बहुत सारे स्किल्स यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि क्या क्या कर रहे हैं। एक अनजान आदमी को टीचर पढ़ा रहा है, इतना मालूम है, पढ़ाने के बाद इतनी सारी स्किल्स ऊपर से नीचे तक यूज कर रहा है, ये वो नहीं जानता है, क्योंकि वो साइंटिफिक अंदाज में नहीं सोचता। इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स दे दे के समझाएं, 1+2=3, 1+4=5, 1+6=7, यानी एक ऑड नंबर, एक इवन नंबर की जमा जो है ऑड नंबर ही हो रही है, तो इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स, ऐसे साइंस में भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। लेक्चर लेने का तरीका जो है, हर एक उतना अच्छा खतीब या उतना अच्छा लेक्चर देने वाला नहीं होता, लेक्चर देने की भी एक टेक्निक है जो सीखी जाती है, तो ये एक स्किल है जिसको सीखना जरूरी है। ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल, कभी कभी पूरे ब्लैक बोर्ड में हर जगह लिखता है टीचर, कभी कभी ब्लैक बोर्ड के हिस्से करके लिखता है, कभी ऊपर से नीचे साफ करता है, कभी क्रॉस साफ करता है, कब जर्रात गिर जाते हैं, कब उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि देखिए जिस तरह से टीचर भी एक प्रोफेशन है ना, जिंदगी भर उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, तो एक सही अंदाज से अगर वो लिखना सीख ले तो उसकी जिंदगी भी सरल रहेगी, तो वो एक स्किल है। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड, कब कौन सी चीज इस्तेमाल करना है, अब मैं पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ, पावर पॉइंट कब इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, कोई मुझे सिखाए तो ये सीख ले, तो उसको ऑडियो कब यूज करना है, वीडियो कब यूज करना है, कब इमेजेस डालनी है, कहाँ डालनी है, तो ये सारी चीजें प्लान करके ही यूज करता है। री इन्फोर्समेंट, जब बच्चा बोलता है तो हाँ जी हाँ, यस बहुत अच्छा, बहुत खूब, बेहतरीन, लाजवाब, देखिए री इन्फोर्स, अगर ये जवाब दे तो वो बच्चा बहुत खुश होगा जवाब सुनकर, फिर वो इंटरेस्टेड रहेगा। स्टिमुलस वेरिएशन, बहुत बड़ा, छोटा, ऊंची आवाज में, अरे ये क्या हुआ, इस तरह से स्टिमुलस, आवाज का वेरिएशन होता है, जेस्चर्स होते हैं, इन तमाम को अचीविंग क्लोजर, क्लोज किसी मजमून को क्लोजर की तरफ कैसे ले जाया जा सकता है। क्लास मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट भी इंडिया को मैनेजमेंट करने से कम नहीं है, क्लास में कोई शरारती बच्चा होगा, कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा, इंटेलिजेंट बच्चे को लोग, दूसरे बच्चे सता रहे होंगे, कोई आप बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए पलटो तो बच्चे कोई चीज फेंक देते हैं या एक दूसरे को छेड़ लेते हैं, ऐसे हालात में क्लासरूम का कैसे मैनेज किया जाए, ये सारे स्किल्स है, तो इन सबको जानना जरूरी है। देखिए ये एक इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, एक इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन की एक यहाँ पे लेसन प्लान मैंने दिया है, एक दो जगह पे ही लेसन प्लान मिला मुझे जिसको मैंने यहाँ पे लिया है। एक लेसन प्लान लिखे अपने सेल्फ लर्निंग मटेरियल में, ये मौजूद है मवाद, इसमें तदरीस का नाम, जैसे इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, ये तदरीस का नाम है,
लेसन का तारुफ, सबक का तारुफ। सबक नंबर पहला, पहली बार ले रहे हैं, किस दिन ले रहे हैं, मजमून कौन सा फिजिकल साइंस, जमात कौन सी 8th स्टैंडर्ड, उन्वान कौन सा समझे के नूर, वक्फा कौन सा 4th पीरियड, ठीक है, और 40 मिनट्स उस ये 5 मिनट का ही होना चाहिए, 6 मिनट का लेसन। नंबर शुमार लिखिए, मौलिम क्या कर रहे हैं, तालिब इल्म क्या कर रहे हैं, कौन कौन से अज्जा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको लिखिए। उसके बाद जो है आपकी आपका ऑब्जर्वेशन जब करेंगे, मुशाहदे के लिए 3 खाने बनाए गए हैं, पहले खाने में महारत के अज्जा, दूसरे खाने में महारत की पहचान के लिए टैली इस्तेमाल करें, और तीसरे खाने में इसे 1 से 7 तक की रेटिंग के इस्तेमाल के लिए मखसूस करें। जैसे आप मुअल्लिम की सरगर्मियां हैं इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन में, आप इंतहाई कमज़ोर हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, बेहतरीन आपने अंदाज में किया है तो 7 आएगा। समझिए आपने कुछ एग्जांपल्स दिए वो बहुत अच्छा है तो 6 देंगे, औसत है तो 4 देंगे। इस तरह से टोटल जब जमा किया जाएगा दर्जा पैमाई, पूरी रेटिंग जमा की जाएगी, जिसकी रेटिंग अच्छी होगी उसका इंट्रोड्यूसिंग लेसन प्लान जो है बहुत अच्छा रहेगा। ये ऑब्जर्वर्स नीचे वाला जो है ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्व करेंगे, ऊपर वाला जो है टीचर प्लान करके लिखेंगे। मैंने आपको यहाँ पे बताया था देखिए यहाँ पे जो ऑब्जर्वर्स भी फीडबैक देते हैं, ये फीडबैक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और वो लेसन प्लान जो तैयार करते हैं आप पहले से तैयार करके आएंगे, लेसन प्लान तैयार होता है। फिर एक्सप्लेनिंग अगर कॉन्सेप्ट, अगर इसी तरह के लेसन प्लान आप तैयार कर रहे हो एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट, से फॉर एग्जांपल इफ यू आर एक्सप्लेनिंग अबाउट मैग्नेटिज्म, सिंपल एग्जांपल मैग्नेटिज्म आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें कुछ आपके एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स होंगे जो हम लोग समझ सकते हैं कि आप वैसा बिहेवियर करना चाहिए मौलिम को, कुछ आपके अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर भी होंगे। अब दोनों तरह के बिहेवियर्स हो जाते हैं, सर्जरी हो जाते हैं, जाने में या अनजाने में टीचर करता है। जैसे एक्सपेक्टेड बिहेवियर तफसील, कड़ियों का इस्तेमाल। समझिए कि एक जमाने में एक चरवाहा था और वो अपनी बकरियों को चराने के लिए जाता था, और वो तो कड़ियों का इस्तेमाल करके, और इसलिए इस तरह का ये अल्फाज इस्तेमाल करके कहानी बताई जा रही है या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये कड़ियों का इस्तेमाल करना पॉजिटिव बिहेवियर, शुरुआती और इस्तेमाई जुमला, आपके शुरुआती जुमले में और आगे बढ़ने वाले जुमलों में ये एक दूसरे को लिंक रहेगा, और तलबा की एक्सप्लेन करते वक्त आप क्या करेंगे, सवाल भी करते रहेंगे तलबा के इल्म की जाँच, क्या हासिल हो रहा है क्या नहीं, जो भी मालूम बच्चे को। गैर जरूरी जुमले का इस्तेमाल करना नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम टीचर, जुमलों में सिलसिलेवार कमी होना नॉट एक्सपेक्टेड, सही अल्फाज की कमी रहना नॉट एक्सपेक्टेड, गैर फित्री वजाहत जो ज़रूरी नहीं है उस तरह की वजाहत, पढ़ाना कुछ है कुछ और बा एक्सप्लेन कर रहे हैं नॉट एक्सपेक्टेड, गुमराह मुबहिम अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल नॉट एक्सपेक्टेड। तो कुछ एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। एक्सपेक्टेड बिहेवियर कितनी मरतबा हुई है उसकी टैली लगेंगी, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कितनी मरतबा इस्तेमाल हुए 5 मिनट के अंदर उसकी टैली लगेंगी, अगर ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हैं तो दोबारा दोहराने के लिए कहा जाएगा, दोबारा लेसन प्लान इम्प्रूव करके दोबारा उसको पेश करना होगा। तो ये है एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट। इसी तरह एक स्किल है स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन यानी हरकत और सकनात किस तरह से तब्दील होंगे इसमें, जैसे मुअल्लिम की जिस्मानी हरकत की जंबिश, मुअल्लिम क्लास में आगे की तरफ पीछे की तरफ थोड़ा राइट घूम के लेफ्ट घूम के जब देखता है
अगर वो मौजू और मुनासिब है तो उसको टैली करेंगे कितने बार देखता है। तर्ज तकरीर में तब्दीली, कभी कभी बोलते बोलते अचानक ऊंची आवाज करता है, अचानक कम आवाज करता है, ताकि तलबा का अटेंशन कंटेंट पे लाए। ऐसा नहीं कि अपने आप हावी होने की कोशिश करे, अटेंशन लाने के लिए करे। तर्ज तामूल में तब्दीली, टीचर बोलते बोलते सवाल पूछने लगता है, और सवाल पूछने से क्या होता है कि तलबा जवाब भी देते हैं। टीचर बोल रहे थे, अब स्टूडेंट को इंटरेक्शन करने का मौका मिला। कभी कभी समय वो बसरी तब्दीली स्विचिंग करते हैं, जैसे ऑडियो दिखा रहे हैं, वीडियो को शामिल कर लिया, वीडियो दिखाते दिखाते ऑडियो या खुद बोलने लगे। ये हरकत और सकनात और में तब्दीली इशारा, जैसे मैंने कहा कि बिग स्मॉल वेरी मिनिस्क्यूल यानी बिल्कुल छोटा, तो ये हरकत और सकनात से दिखा सकते हैं। मरकुजियत, किस पर मरकुज है, टीचर पर मरकज है या स्टूडेंट पर मरकज है या कंटेंट पर मरकज है। स्टिमुलस वेरिएशन होता है। वक्फा बताते हैं, तलबा की शमूलियत इसमें शामिल होती है। ये अलग अलग वेरिएशन जो है टीचर यूज करता है पढ़ाने के लिए। फिर इसी तरह से और दीगर स्किल्स हैं जिनका इस्तेमाल टीचर्स करते हैं, इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल्स, कोई भी चीज एग्जाम्पल से बताते हैं। फिर प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, डबल आ गया है। री इन्फोर्समेंट किया जाता है, क्लासरूम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जल्दी में कुछ स्लाइड्स में जो है डबल डबल क्वेश्चंस भी आ गए हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, मैं आप लोगों से इन चीजों पर डिस्कशन करना चाह रहा था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया। समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। ओके, तो इसके साथ ये चीजें क्लोज करते हैं, ठीक है। YouTube चैनल तालीमी तकनीकी तहकीकी बसीरत तहरीकी और तंजीमी वीडियोस फराहम करता है। मज़ीद बसीरत हासिल करने के और प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।